मैं सीधे वारिस पठान जी आपके पास जाते हुए, आपके पास भी तो मौका था ना, वैसे साहब पहुंचते अपनी बाइक बुलेट लेकर वहां पर तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। आपको आमंत्रित किया जाएगा, आप नहीं जाएंगे और फिर पलटकर आप सवाल पूछेंगे आपने क्या किया। आपसे भी तो पूछा जाएगा ना कि देश अगर जश्न मना रहा है इस जश्न आजादी का, तो उसमें फिर भौहें इतनी क्यों तनी हुई है तिरंगे के मुद्दे पर वारिस पठान साहब? देखिए, तिरंगे का चित्रा जी कोई मुद्दा ना कोई बना सकता है, ना उस पर कोई डिबेट कर सकता है, ना उस पर कोई सियासत कर सकता है। तिरंगा हमारी आन बान शान, हमारा अभिमान और हमारी पहचान है जी। हम तो 75 वर्षों से तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ, बान के साथ 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो लहराते हैं, और मुझे यकीन है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी शान बान आन के साथ तिरंगे का सम्मान करेगी, लहराएगी। मगर सवाल यहाँ पे दूसरा आ रहा है, हमने तो तिरंगे का सम्मान किया, मगर आरएसएस जो बीजेपी का फ्रंटर ऑर्गेनाइजेशन है, मोदी जी ने कहा हमारा आरएसएस सब कुछ है, तो 52 वर्षों से आरएसएस ने तिरंगे का अपमान क्यों किया? 17 जुलाई 1947। अरे आपकी डीपी बदली कि नहीं बदली, पहले मेन मुद्दे पर आइए। अब आरएसएस ने क्या किया मैं पूछ लूंगी राजीव जी से, आपने अपनी डीपी बदली या नहीं बदली? उधर कांग्रेस पार्टी ने तो चले नेहरू जी के साथ ही कम से कम तिरंगा लगा दिया है, आपने बदली या नहीं बदली? चित्रा जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए मेरे डीपी बदलने से क्या होगा, तिरंगा तो मेरे सीने के ऊपर छपा हुआ है, मुझे तो तिरंगे से जितना प्यार है शायद किसी पैनलिस्ट को होगा, मैं तो इतना मोहब्बत करता हूं मेरे देश से और तिरंगे से। मगर यहां पर सवाल यह है ना कि जब मोदी जी कहते हैं कि डीपी बदलो, तो 4:06:20 हो गया, मोहन भगवत जी ने अब तक डीपी क्यों नहीं बदला? तू इधर उधर की बात ना कर सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बता मोहन भगवत ने डीपी क्यों नहीं बदला? और कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है, तो हम यही सवाल करना चाहते हैं कि बताओ आपके अगर ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने ये लिखा है, सामने है वारिस पठान साहब हरे रंग के गमछे के साथ, उसमें भी तो आपके मुखिया की तस्वीर लगी हुई है ना, तो कहा है तिरंगा आपका? उसमें तो असदुद्दीन साहब नजर आ रहे हैं। मेरा तिरंगा मेरे दिल पे छपा हुआ है, मैं भाजपा की तरह सियासत नहीं करता तिरंगे के लिए भी, मैंने तो कहा ना कि तिरंगे की मोहब्बत, तिरंगे का सम्मान, तिरंगे का मान मेरे दिल में छपा हुआ है। डीपी मुझे बदलने से कुछ नहीं होगा, मगर मोदी जी ने कहा 2 अगस्त से 15 अगस्त तक सब अपना डीपी बदलेंगे, अपना डीपी आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? भगवत जी ने अब तक क्यों नहीं बदला? 52 साल तक तो हमारा इसका अपमान किया सुधांशु जी, आपके लिए तिरंगा हमारा। अरे आरएसएस का डीपी आपको नजर आ रहा है, अपना भी पहले शुरुआत आप ही कर लीजिए, शुरुआत आप ही कर लीजिए। क्या बात है सुधांशु जी, बता देना कुछ तो है राज। अरे क्यों बद, अरे चलिए मुझे नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट अब क्या आरएसएस देगी चित्रा जी? जब 1947 देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, हमारे लोग तो जान दे रहे थे, शहीद हो रहे थे देश की आजादी के लिए, आरएसएस क्या कर रहा था सुधांशु जी? भगवे का आरोप लगा रहे हैं, खुद तो हरा रंग पहन के आप डीपी में दिखाई दे रहे हैं, तो पहले खुद को सही कीजिए फिर दूसरों पर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि मेरे सीने पे छपा हुआ है तिरंगा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, और राष्ट्रीयता बीजेपी से सीखने की जरूरत तो कतई नहीं है। हाँ चित्रा जी, एक ही लाइन बोलना चाहता हूं, ये मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता दें, मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी जो भारत में सेकुलरिज्म का एक बड़ा प्रतीक है, उसके नेता ये कह रहे हैं कि उनके दिल में तिरंगा छपा हुआ और इतना गहरा छपा है कि उसको लाके डीपी पे दिखाने की जरूरत नहीं है, मान लिया। मगर मैं यह बात विनम्रता के साथ पर चुनौती के साथ कहता हूं, ये 2014 से पहले का इनके किसी नेता का बयान दिखा दीजिए कि तिरंगा मेरी आन बान शान है, तिरंगा मेरे दिल में छपा है। शाहीन बाग में भी लोग तिरंगा लेके चले थे, पर लोगों ने उसको राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं माना था। हकीकत है कि आज इनको जो बोलना पड़ रहा है वो भी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं, अन्यथा 2014 से पहले का अपनी पार्टी का एक वक्तव्य और एक वीडियो दिखा दीजिएगा कि तिरंगा मेरी आन बान शान है, तिरंगा मेरे दिल का अभिमान है, मेरे दिल में छपा हुआ है, मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा। वारिस पठान जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष वर्मा जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। मांगो क्षमा, चलो मैं बताता हूं, 2014 के पहले नहीं, 1947 से लेके जितनी भी मरतबा 15 अगस्त 26 जनवरी आई है, सुधांशु त्रिवेदी जी हमने लहराया है और शान से लहराया है, आपकी तरह दिखावे के लिए नहीं लहराते, दिल से लहराते, दिल से देश से मोहब्बत है, सियासत नहीं करते, फिर आप गोल कर गए, बताइए अभी तक मोहन भगवत ने अपना डीपी चेंज क्यों नहीं किया?
कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है, सुधांशु जी देश जानना चाहता है, क्या ये वही तो नहीं है कि तीन रंग का तिरंगा मेरे भारत महान का आपके लिए अशुभ है? क्या वही बात है? क्या क्या दूसरी बात हो सकती है? 52 साल तक आपने हमारे तिरंगे का अपमान किया और आज आप सिर्फ वारिस पठान को डीपी चेंज करके मेरा नेशनलिज्म, मेरा पेट्रोलिज्म चेक करो क्या डीपी से? अरे कुछ नहीं होगा, दिल में छपा हुआ है तिरंगे का। चलिए अभी अभी हम उसको चेक करते जी, माफी मांगो अभी जवाब देता हूं। 2014 के पहले से भी हम तिरंगा लहराते थे और यकीन है मुझे हमारे आने वाली पीढ़ी इंशाअल्लाह ताला जोर शोर से तिरंगे को लहराएगी। बयान दिखा दीजिए ना, भारत महान के तिरंगे को लहराएगी। बयान दिखा दीजिए ना, उल्टे सीधे बयान तो खूब अवेलेबल है 14 से पहले। दिल से मोहब्बत करते हैं देश से। अरे आप सियासत में बयान को भी ढूंढना पड़ेगा, मोबाइल पे निकाल देंगे, 50 बयान आपको भेज दूंगा मैं। आप बताओ ना, तारो ताजा 6:25 हो गया, अभी तक सर संचालक ने अपना डीपी क्यों नहीं बदला? चलिए नहीं मानते क्या? नहीं मनाना चाहते अमृत महोत्सव आजादी का 75वां? सर संचालक बोलिए, जवाब दीजिए। लहराना चाहते हो नहीं लहराना चाहते हो? ये बात तो बिल्कुल वैसे ही होगी ना। अब आरएसएस भी कहेगी कि मुझे राष्ट्रीयता साबित करने क्या आप लोगों के बयान पर, तो ये बात तो दोनों लोगों पर समान रूप से लागू होती है। आप पहले चेंज कीजिए, दिखाइए राष्ट्रीयता आप, कम से कम प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसी पार्टी की तो है नहीं ना, वो देश के प्रधानमंत्री है और 75 साल का मतलब ये जश्न मना रहा है पूरा हिंदुस्तान। चित्रा जी, बहुत सी चीजें दिल पे छपी हुई होती है, उनको दिखा के नुमाइश नहीं करना चाहता वारिस पठान। दिल पे छपा हुआ है तिरंगा, तो ये दिल तो पे छपा हुआ है, तो फिर खाली डीपी चेंज करके क्या फायदा होगा? तो फिर ये बात क्या फायदा होगा? नाम में भारत के लिए चेंज करवा रहे हैं। दिल पे छपा हुआ है, जमीर पे तिरंगे की मोहब्बत लिखी हुई है, मगर ये लोग जो नाटक करते हैं ना कि तिरंगे पे भी अभी इनका मोनोपोली आ गया। अरे क्या सुधांशु जी, तिरंगा भारत का है, भाजपा का नहीं है? आप चाहोगे आपकी रैली में आ गया है तो वो नेशनलिस्ट हो गया, आपकी रैली में नहीं आया तो एंटी नेशनल हो गया। नहीं आएंगे मगर तिरंगे का सम्मान आपसे ज्यादा करते हैं, ये मैं दावे के साथ छाती ठोक के बोलता हूँ। ठीक है।